यूथ कांग्रेस ने कल मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के हल्द्वानी दौरे के विरोध का ऐलान किया। आपको बता दें, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सीबीआई जांच कराने के बजाय खुद की आभार रैली करवा रहे हैं, जिसका यूथ कांग्रेस काले झंडे दिखाकर विरोध करेगी। साथ ही भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे युवा सरकार के इस फैसले का कोई आभार नहीं जता रहे और युवाओं का कहना है कि जब तक इस भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच नहीं होती तब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। देखिए, पहले तो हम लंबे समय से हम मांग कर रहे हैं कि प्रदेश में जो भर्ती घोटाला हुआ है उनकी सीबीआई जांच कराई जाए और सरकार घुमा फिरा करके उस ट्रैक से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। तो हमारी हम अपनी मांग पर अडिग हैं और हमने एक माह पूर्व ये फैसला किया था युवा कांग्रेस की बैठक में, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में, कि जब तक मुख्यमंत्री सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं करते हैं तब तक मुख्यमंत्री प्रदेश में जहां भी जाएंगे वहां पर यूथ कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग उनको काले झंडे दिखाने का काम करेंगे, उनके खिलाफ प्रदर्शन करने का काम करेंगे और अपनी सीबीआई जांच की मांग करने का काम करेंगे। एक बात। दूसरी बात, जो ये बहुत ग्लैमराइज करने का काम कर रहे हैं नकल विरोधी कानून को, मुझे लगता है कि प्रदेश के हर युवा को नकल विरोधी जो कानून इन्होंने लगातार राज्य सरकार हवा हवाई निर्णय ले रही है जिनका यूथ कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। प्रदेश के अंदर नकल माफिया और नकल कराने वाले लोग ही नकल विरोधी कानून बनाकर प्रदेश के युवाओं के साथ भद्दा मजाक कर रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। किस बात का जश्न? युवाओं का जो असली मुद्दा है रोजगार, रोजगार तो मिला ही नहीं। जब रोजगार उपलब्ध करा दें तब जश्न मनाइए, खूब रैली निकालिए, खूब आयोजन करिए, खूब मिठाइयाँ बांटिए। और लगातार जिस तरीके से बात की जाए, प्रदेश में समस्याओं का अंबार है, चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें, चाहे बिजली पानी की।